ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था, सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत करते हुए सेना के 4 जवानों की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने गुरुवार को सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें सेना के 4 जवानों ने अपना बलिदान दे दिया है। कल सेना के वाहनों पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों द्वारा राजौरी सेक्टर के डेरा की गली के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है, लेकिन इस बीच मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष मामले को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर हो गया है और तरह तरह के वो आरोप भी लगा रहा है। इसी कड़ी में मामले को लेकर शिवसेना यूबी गुट के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। मामले को लेकर भड़के संजय राउत ने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, यहाँ संसद में लोग घुसकर हमला करते हैं लेकिन सरकार को उसकी खबर तक नहीं है। वे 370 हटाने का जश्न मना रहे हैं लेकिन जवानों की रक्षा कौन करेगा। ये बहुत ही गंभीर बात है, यहाँ संसद में लोग घुस जाते हैं, हमला करते हैं, उसके खबर नहीं है। वहाँ कश्मीर में टेररिस्ट घुसते हैं, हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। कल का जो पूंछ में हमला हुआ है ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था, सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के थाना मंडी इलाके में जहां 2 सैन्य वाहनों पर आतंकवादी हमला किया गया था, हमले के बाद जम्मू राजौरी पुंछ राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकवादी हमले में सेना के 4 जवानों ने अपनी जान गंवाई है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सेना को क्षेत्र में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके चलते सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया, जिसको लेकर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। और फिर जब अतिरिक्त बलों को मौके पर ले जाया गया तो आतंकवादियों ने एक ट्रक और एक मारुति जिप्सी पर हमला कर दिया, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। बता दें कि पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद की एक विंग PFA ने इस हमले की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।